हेलो दोस्तों, मैं आपकी फेवरेट आरजू माफ़ी चाहती हूँ कि कल मैं अपनी कहानी को पूरा नहीं कर पाई क्योंकि एक अर्जेंट कॉल आ गया था। सो आज मैं अपनी कहानी वहीं से दोबारा शुरू करती हूँ जहाँ से अधूरी छोड़ी थी। जैसा कि मैं बता चुकी हूँ कि मैं फिल्म देखकर अब्बू से ज़िद करी कि मुझे भी चार आदमियों से एक साथ होना है। तब अब्बू ने कहा कि अभी तो तेरा भाई और मैं ही हूँ, कल ज़रूर तुम्हें चार आदमियों से मिलवाऊँगा। और उसके बाद अबू ने नए तरीके से सुख दिया जो आप पार्ट एक में सुन सकते हैं। अब बात आगे बढ़ती है तो अब मैं अबू के कंधे पर अपने दोनों पैर लपेटे अपनी क्रिया में मग्न थी और अबू क्रिया में मग्न थे और वहीं किनारे मेरा भाई खड़ा था। तब अबू ने मुझे नीचे लेटा दिया और भाई से कहा, आओ बेटे, आज अपन दोनों मिलके इस काम को अंजाम देते हैं। फिल्म देखकर चार लोगों के साथ एक साथ की जिद कर रही थी तो आज तो हम दोनों ही चार के बराबर मात्रा का अंदाजा लगाते हैं। और फिर अबू ने इस क्रिया को जारी रखा और भाई भी इस काम में इतना मग्न था कि क्या ही बताऊं। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी और ही दुनिया में थी। आज वाकई अबू के साथ अलग ही तरह का मजा मिल रहा था जो पहले कभी नहीं मिला था। उधर भाई भी चटोरा बन चुका था। करीब 20 मिनट बाद अबू ने कहा, अब बेटा ये जिंदगी भर याद रखेगी। और ये कहकर अबू ने मुझे एक अलग ही दुनिया में ले गए जहां मुझे एहसास हो रहा था जैसे मेरे अबू बाजू पर लग चुके हैं और मैं हवा में उड़ रही थी। अब अबू ने पीछे से भाई को इशारा किया कि तू भी आ जा अब। पर भाई इतना समझदार नहीं था, वो थोड़ा संकोच में था कि कैसे क्या करूं। तब मैंने कहा, अबू भाई तो ठुस है। भाई ने कहा, साले मैं कह रहा हूँ जैसे कह रहा हूँ वैसे कर। अबू ने कहा, साले आजकल के लड़के तो बस मारना है और जानते कुछ है नहीं। मैं खामोश थी। आखिर भाई बहुत देर बाद ही सही कमांड पे आ गए। तब अबू ने कहा, क्या भाई यार ये सब भी अब मुझे ही सिखाना पड़ेगा क्या? आखिर भाई को धीरे धीरे सीखने के भाई ने अपने पूरे अरमानों को पूरा कर लिया और मुझे तो इतना मज़ा आया कि क्या ही बताऊँ। धीरे धीरे ये सब चलते रहा और फिर सब सो गए। तो कैसी लगी आप सबको ये कहानी मेरी जुबानी? छोटी सी है मगर मज़ा भी आया होगा। चलती हूँ दोस्तों, बाय दोस्तों।